Amazon Prime की ओरिजिनल वेब सीरीज मिर्जापुर काफी हिट हुई थी। दर्शकों का इस वेब सीरीज को खूब प्यार मिला। पहले सीजन की सक्सेस के बाद इसका दूसरा सीजन भी बम्पर हिट हुआ है। और आपको बता दें कि मिर्जापुर में काम करने वाले स्टार्स इतने पसंद किए गए कि लोग अब उनको उनके किरदार से ही बुलाने लगे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपको इस सीरीज में काम करने वाली स्टार कास्ट को पर एपिसोड कितनी फीस मिली है उसके बारे में बताते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट का दावा हम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी चर्चा है कि मिर्जापुर के स्टार कास्ट को काफी अच्छी फीस दी गई है। रसिका दुग्गल। मिर्जापुर में कालीन भैया की वाइफ का रोल निभाने वाली रसिका दुग्गल ने मिर्जापुर 2 के लिए पर एपिसोड 2 लाख रुपए चार्ज किए हैं और इस हिसाब से 10 एपिसोड के हुए 20 लाख रुपए, यानी रसिका को मिर्जापुर 2 की टोटल फीस मिली है 20 लाख रुपए। दिव्येंदु शर्मा। दिव्येंदु शर्मा इस सीरीज में कालीन भैया के बेटे मुन्ना त्रिपाठी बने थे और उन्हें पर एपिसोड मिले हैं 5 लाख रुपए, यानी टोटल हुआ 50 लाख रुपए। पंकज त्रिपाठी। मिर्जापुर की जान उसके किरदार कालीन भैया को माना जाता है। इस कालीन भैया का किरदार पंकज त्रिपाठी ने निभाया है और उन्हें पर एपिसोड के लिए मिलते थे 10 लाख रुपए, यानी टोटल फीस हुई 1 करोड़। अली फजल। मिर्जापुर में गुड्डू भैया का किरदार निभाया है अली फजल ने और उन्हें पर एपिसोड मिलता था 12 लाख रुपए और इस हिसाब से 10 एपिसोड की फीस हुई 1 करोड़ 20 लाख रुपए। श्वेता त्रिपाठी। श्वेता त्रिपाठी गोलू गुप्ता के किरदार में नजर आई थी और उन्हें पर एपिसोड मिलता था 2.2 लाख रुपीस, यानी टोटल हुआ 22 लाख रुपए। कुलभूषण खरबंदा। आपको बता दें कि कुलभूषण खरबंदा ने मिर्जापुर में कालीन भैया के पिता का किरदार निभाया है, जो दिमाग से बहुत ही शातिर होने के साथ साथ रसिक नेचर का भी है। और आपको बता दें कि वेटरन एक्टर कुलभूषण खरबंदा ने मिर्जापुर 2 के पर एपिसोड के लिए लिए हैं 3 लाख रुपए, यानी इस हिसाब से 10 एपिसोड का हुआ 30 लाख रुपए। वेल, आप तब तक कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि आपको मिर्जापुर 2 से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।